चार केस फाइनल हो चुके हैं जिसमें कोर्ट के द्वारा आपको मालूम है जब भी कोर्ट निर्णय देता है तो उस कोर्ट में निर्णय में यह दिया जाता है कि सबूतों के अभाव में मुलजिम को बरी किया जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के केस में ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के केस में जज के द्वारा लिखा गया है कि संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी किया जाता है। यानी के चार केसों के अंदर लगभग जो है 60 गवाह थे जिनके द्वारा गवाही दी गई और उनके द्वारा गवाही जो दी गई है वो उस गवाही का कोई मकसद नहीं था। यानी कि किसी ने कहा कि आपने ये बात सुनी है, कहले हाँ जी मैंने सुनी है। आपने कहाँ से सुनी है, कहले मैंने टीवी के माध्यम से सुनी है। आपने ये गवाही सुनी है, हाँ जी मैंने सुनी है। किससे सुनी है जी, पुलिस वाले से सुनी है। तो इस प्रकार जितनी भी गवाहियाँ हैं वो कोर्ट में मान्य नहीं होती है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी किया गया है। अब जो चार केस हैं, चार केस के अंदर जो है 63 गवाह हमें देने थे पब्लिक की ओर से, जिनमें से जो है 44 गवाह पेश हुए हैं और उन 44 गवाहों में से जिनमें से जो है लगभग 8 गवाह पुलिस के हैं, उनमें से 3 के जो है जो SI हैं 3 के उनके वारंट हो चुके हैं, वो गवाही पा ही नहीं रहे हैं। तीसरी बात कि उनकी गवाही में अब तक जितनी गवाही हुई है किसी भी गवाही में कोई सबूत जो है नहीं मिल रहा है जिसके ऊपर जज जो है उनको कोई सजा दे सके। यानी कि जज का कहना ये है कि अभी तक जो है कोई जो है मेटेरियल एविडेंस, जिसको बोलते हैं मेटेरियल एविडेंस कोई नहीं आया। जितने भी एविडेंस हैं सारे ओरल एविडेंस हैं, ओरल एविडेंस के ऊपर कोई सजा मुकर्रर नहीं होती है। मेरा कहने का अभिप्राय है कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ जितने भी मुकदमे बनाए हुए हैं, यानी कि 14 तारीख 18 तारीख को जो मुकदमे बने हैं वो सीरियल वाइज बने हैं, 1 से लगा के 10 तक जो मुकदमे हैं उनके बीच में कोई दूसरी केस का कोई मुकदमा किसी दूसरे आरोपी का नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि उस दिन सरकार की मिली भगत से केवल 1 से लगाकर 10 मुकदमे तक संत रामपाल जी महाराज के हुए हैं और उसमें बीच में कोई अपराध हुआ ही नहीं है। यानी कि कुल मिला के ये जो मुकदमे हुए हैं ये केवल सरकार की साजिश के तहत हुए हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज के ऊपर अभी तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाया है प्रोसिक्यूशन। साथियों एक सूचना और है कि सभी लोग संत रामपाल जी महाराज की जो तारीखें होती हैं उन पर अधिक से अधिक जाएं ताकि जो है उनके केसों के बारे में आपकी हाजिरी लगे और जो परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं इस बारे में जज लोग हैं वहाँ के या वहाँ के जो वहाँ का स्टाफ है जो पुलिस स्टाफ है वो भी वहाँ पे जो है दंडोत प्रणाम करके उन जेल के सामने को होके जाता है। तो इस यानी के इस बात का यकीन कंप्लीट प्रशासन को शासन को हो चुका है कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम आदमी नहीं है। यदि वो आम आदमी होते तो आज तक पता नहीं क्या उनके साथ क्या कर चुके होते। अंत में आपसे निवेदन है कि केवल 3 केस ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी केवल जो है 23 या 24 गवाह आने हैं और उन 23-24 गवाहों में से कोई भी पब्लिक का गवाह नहीं है। बिना पब्लिक के गवाह के कोई सजा नहीं होती है कोर्ट के अंतर्गत, केवल जो पुलिस का IO था जिसने गवाही दी थी कि मेरे सामने मैंने मुकदमा दर्ज किया है, क्या आपके सामने संत रामपाल जी महाराज ने किसी को मारा है, उसकी गवाही थी कि नहीं मेरे सामने किसी ने नहीं मारा। तो खेल जब तुरे सामने नहीं मारा तो मुकदमा किस बात का किया। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, इसीलिए CBI की मांग कर रहे हैं। सत्य है।